चैप्टर स्टार्ट करें। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो गवर्नर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइंड करवा देता हूँ। कौन सी क्लास का? फ्लाईव्हील चैप्टर का। फ्लाईव्हील चैप्टर में हम क्या कर रहे थे? फ्लाईव्हील चैप्टर में आपको याद हो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे जो हमारी एवरेज डिमांड है, डेट इज एवरेज डिमांड, और वी कैन से एवरेज सप्लाई इज मैचिंग विद, किसके साथ मैचिंग कर रहे थे? डिमांड, इज मैचिंग विद एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड के साथ हम ये चीज़ कर रहे थे। मतलब कहने का मतलब है एवरेज डिमांड को हम मैच कर रहे थे, एवरेज डिमांड को मैच कर रहे थे विद एवरेज डिमांड, सॉरी एवरेज सप्लाई, ये चीज़ कर रहे थे। अंडर विच स्टेट, अंडर विच स्टेट, अंडर विच स्टेट, किस स्टेट में हम ये चीज़ मैच कर रहे थे? हम कर रहे थे कि हमारी जितनी भी सप्लाई हो रही है उसको एवरेज डिमांड के साथ मैच करो। एवरेज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को ध्यान में रखना। एवरेज, अब मैं कह रहा था ना कि मतलब एक मंथ का कितना है, 3,000 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं और आपकी जो डिमांड है वो भी 3,000 ही हो रही है। इन बिटवीन मंथ के इन बिटवीन इंटरवल्स में क्या हो रहा था? हमारी डिमांड बढ़ रही थी, सप्लाई कम हो रही थी, कहीं डिमांड बढ़ रही थी, तो ऐसा हो रहा था। किसी दिन बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी, किसी दिन सप्लाई ज़्यादा हो रही थी, किसी दिन डिमांड कम हो रही थी, ऐसा फ्लक्चुएशन हो रहा था हर साइकिल में। मैंने आपको यही तो बताया था फ्लाईव्हील में हम क्या कर रहे थे, एवरेज डिमांड को एवरेज सप्लाई के साथ मैच कर रहे थे, एवरेज मैच कर रहे थे, याद रखना एवरेज मैच कर रहे थे। बट इन बिटवीन क्या हो रहा था? कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा था। उस फ्लक्चुएशन को हम किसकी हेल्प से कम कर रहे थे? विद द हेल्प ऑफ फ्लाईव्हील हम उसको रिड्यूस कर रहे थे। यस और नो? मैंने आपको बताया था कैसे आपका फ्लाईव्हील, आप आई ओमेगा स्क्वायर सी एस से मैंने बताया था, आई अगर हम बढ़ा दें तो कैसे बढ़ा सकते हैं? विद सम डिस्टेंस, इसलिए हमने क्या किया, कुछ डिस्टेंस पे हमने एक और मास क्या कर दिया, माउंटेड कर दिया, डेट इज नोन एज फ्लाईव्हील। ये हमने सब चीज़ डिस्कस करी हुई है, हम बस एक ही चीज़ कर रहे थे, एवरेज डिमांड को मैच करो एवरेज सप्लाई के साथ, ठीक है। ये किस स्टेट में बात कर रहे थे, किस स्टेट में बात कर रहे थे? ये हम अंडर स्टेडी स्टेट, ये हम अंडर स्टेडी स्टेट में बात कर रहे थे, एवरेज डिमांड को मैच कर रहे थे एवरेज सप्लाई के साथ अंडर स्टेडी स्टेट। हम कह रहे थे मतलब कि जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट में बात कर रहे हैं, जब हम कॉन्स्टेंट स्पीड पे रन कर रहे हैं, बाइक को हम रन कर रहे हैं कॉन्स्टेंट स्पीड पे, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे ना एंड की बात कर रहे हैं, जब हम बाइक को स्टॉप कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम की बात नहीं कर रहे, इन बिटवीन टाइम पीरियड में बात कर रहे हैं, जब हम एक इक्विलिब्रियम स्पीड पे हम रन कर रहे थे बाइक को। सर बच्चे एक्स कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई भी नहीं है, देख लो आप। सर काफी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। समझ में आई बात आप लोगों को? एवरेज डिमांड को हम मैच कर रहे थे एवरेज सप्लाई के साथ अंडर स्टडी स्टेट, जब हमारी बाइक रन कर रही है अंडर स्टडी स्टेट में कॉन्स्टेंट स्पीड पे हम रन कर रहे थे, एवरेज डिमांड को एवरेज सप्लाई के साथ हम क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे। इट मींस हमने क्या फाइंड आउट किया, हम क्या कम कर रहे थे, इन फ्लक्चुएशन को कम कर रहे थे, इन फ्लक्चुएशन को कम कर रहे थे इन अ साइकिल, साइकिल के अंदर हम फ्लक्चुएशन को कम कर रहे थे इन अ साइकिल, ये हम कर रहे थे फ्लाईव्हील की हेल्प से। बट अब देखते हैं क्या होता है गवर्नर के अंदर, गवर्नर की क्यों जरूरत पड़ती है हमें, जैसे हमें फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ी साइकिल पीरियड के अंदर, हमें फ्लक्चुएशन को कम करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ी। इज इट क्लियर? फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करना हो, एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं विद इन साइकिल, विद इन साइकिल याद रखना, विद इन साइकिल के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, इवन आपको लग रहा है कि बाइक आपकी कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रही है लेकिन फिर भी कुछ उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट्स हो रहे हैं, उन फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए हम फ्लाईव्हील का यूज कर रहे थे। बट अब गवर्नर की
क्यों जरूरत पड़ती है, गवर्नर होता क्या है, व्हाट इज गवर्नर, इसको समझने के लिए इसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं हम। हम ये स्टेडी स्टेट में बात कर रहे थे, याद रखना स्टेडी स्टेट क्या है, वो कॉन्स्टेंट स्पीड है जिस पे हम बाइक को रन कर रहे थे। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं दूसरा केस। अब क्या केस अराइज हो सकता है, क्या केस अराइज हो सकता है ये देख लेते हैं। लेट अस सी। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, लेट आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, लेट एवरेज एवरेज एनर्जी सप्लाई कर रहे हो आप ऐसे, डेट लाइन रिप्रेजेंट एवरेज एनर्जी सप्लाई, ठीक है, आपने कोई कॉन्स्टेंट एवरेज एनर्जी सप्लाई करी, ये आपने सप्लाई करी, बट सडनली आपकी मशीन जो रन कर रही है सडनली आप उसको एनर्जी सप्लाई, तो एवरेज एनर्जी सप्लाई आप कितना कर रहे हो, इतना कर रहे हो, इतना मैग्नीट्यूड आप कर रहे हो एवरेज एनर्जी सप्लाई, बट सडनली मशीन को चलते चलते क्या हो गया, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड वी कैन से एवरेज डिमांड बढ़ जाए, समझ में? इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या था, एवरेज सप्लाई और एवरेज डिमांड दोनों आपस में मैच करके चल रही थी इन फ्लाई व्हील, बट इन सडनली मशीन रन कर रही है, आइस इंजन रन कर रहा है, सडनली उस केस में आपकी जो एवरेज डिमांड है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, डेली डिमांड की बात नहीं कर रहा, एवरेज डिमांड मतलब एक महीने में आपको 3000 रुपीज मैंने दिए हैं और आपका एक्सपेंडिचर भी उतना ही हो रहा है, अगर वो नील हो रहा है एट द जितना आपको दिया है, जितना मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ 3000 किया और उतना ही आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उतनी ही आपकी रिक्वायरमेंट है, वो नील हो रहा है एट द एंड ऑफ साइकिल, इट मीन्स वो क्या थी, स्टडी स्टेट का था। बट इस केस में क्या होगा, आप एवरेज एनर्जी सप्लाई तो ये कर रहे हो इस मैग्नीट्यूड का, बट सडनली क्या है, एवरेज डिमांड आपकी बढ़ जाती है, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर आपकी एवरेज डिमांड लाइक दैट, आपकी एवरेज डिमांड बढ़ जाए, एवरेज एनर्जी डिमांड अगर आपकी बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मशीन चल रही है चलते चलते उसकी एवरेज डिमांड बढ़ जाए, जितना आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाए, हो नहीं सकता, आपको 3000 ही आपको यूज करना है, बट आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई एट द एंड ऑफ मंथ, आपको 4000 चाहिए एट द एंड ऑफ मंथ, आपको कितना चाहिए, 4000 चाहिए, डिमांड बढ़ गई, नहीं हो सकता या नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, जैसे आप बाइक चला रहे हो, रनिंग कर रहे हो मार्केट के अंदर जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसमें स्पीड आपने कैसे मेंटेन की हुई है, एवरेज है जो एनर्जी सप्लाई हो रही है, एवरेज जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो इस मैग्नीट्यूड की हो रही है, और आपकी एवरेज डिमांड कितनी थी उस टाइम, आपकी एवरेज डिमांड भी कितनी थी, इतनी ही आपकी एवरेज डिमांड थी, इतनी ही आपकी एवरेज डिमांड थी, बट सडनली आपकी सडनली आपकी मतलब ट्रैफिक से निकल के या कहीं और ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए हो, तो सडनली क्या आपका लोड बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, समझ रहे हो, या आप हाईवे पे चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, आपकी एनर्जी सप्लाई कितनी हो रही थी और एनर्जी डिमांड कितनी थी, कम हो रही थी नहीं हो रही थी, कम हो रही थी या नहीं हो रही थी, ये देखो इतनी हो रही है, जब आप हाईवे पे चला रहे हो सडनली आप ट्रैफिक के अंदर आ गए हो, उसमें क्या हो गया आपके, आपको उल्टा बता दिया मैंने, जब हाईवे पे चलाओगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आप स्पीड इंक्रीज करोगे नहीं करोगे, यस और नो? यस सर। या आप इसको ऐसा समझ सकते हो, आप लाइक डैट इसको ऐसा समझो, जैसे आप किसी मशीन को आपने रन कर रखा है और उसकी एवरेज एनर्जी सप्लाई और एवरेज डिमांड इनिशियली ये थी, चलते चलते क्या हो रहा है, सडनली उसका जो लोड है वो इंक्रीज हो गया, मशीन के ऊपर लोड इंक्रीज हो गया, हो सकता नहीं हो सकता, लोड बोलो यार, हो सकता है या नहीं हो सकता, लोड
मतलब लोड रिक्वायरमेंट है मशीन की, जो लोड रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होगी। एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, ये याद रखना, एवरेज वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, एवरेज। एवरेज जो मैंने बताया ना, एट द एंड ऑफ साइकिल, एट द एंड ऑफ मंथ, वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। आप एक फिक्स स्पीड पे आप रन तो कर रहे हो, जो आपकी एवरेज एनर्जी सप्लाई है और एवरेज एनर्जी डिमांड है, वो दोनों मैच करते हुए चल रही हैं। बट सडनली क्या होता है, बट सडनली क्या होता है, आपका लोड बढ़ जाए मशीन पे, अगर लोड बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली मशीन को एनर्जी सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? यस और नो? यस सर। बिकॉज वी हैव टू मैच एवरेज सप्लाई विद द एवरेज डिमांड, सो दैट आवर रिक्वायरमेंट और आवर सिस्टम रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। अंडरस्टूड? हमें तो क्या करना, हमें तो अपनी डिमांड सेटिस्फाइड करनी है। इफ यू आर मशीन, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं आपको, अगर आपकी सडनली लोड बढ़ गया आपके ऊपर, सडनली आपका लोड बढ़ गया, लोड रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो वी यू हैव टू सप्लाई डेट एनर्जी, एवरेज एनर्जी सप्लाई विद, और वी कैन से मैचिंग विद द एवरेज डिमांड, देन ओनली योर सिस्टम विल रनिंग स्मूथ। ओके, अब एक केस तो ये भी हो सकता है, अगर आप कहो सर अगर हमारा सिस्टम की एवरेज सप्लाई ये हो रही थी, एवरेज सप्लाई आपकी ये हो रही थी, एवरेज एनर्जी सप्लाई ये हो रही थी, बट सडनली इनिशियली क्या थी आपकी, इनिशियली क्या थी, मैचिंग थी, बट सडनली मशीन रनिंग करते 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 उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, लोड कम हो गया है, वी कैन से लोड रिक्वायरमेंट कम हो गया है, तो यू हैव टू मैच तो करना पड़ेगा आपको एवरेज एनर्जी सप्लाई को लोड के साथ, देन ओनली योर सिस्टम विल रनिंग विल ऑपरेट इन स्टेडी स्टेट। यस और नो? यस सर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कितना वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा था, कितने फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस हो रहे थे, आपको तो ऑपरेट करना है, स्टडी स्टेट में आपको ऑपरेट करना अपने सिस्टम को, ऐसा थोड़ी है आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे चलाओगे, एक बार ज्यादा एक बार कम, यू हैव टू मैच एवरेज एनर्जी सप्लाई विद एवरेज एनर्जी डिमांड। ओके, यू हैव टू मैच, अगर चाहे आपका लोड बढ़े या लोड कम हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। इसका मतलब सर ये लोड अभी तक तो सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, अभी तक तो सर हम एक साइकिल के अंदर बात कर रहे थे, एवरेज डिमांड और एवरेज सप्लाई कर रहे थे, एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, एट द एंड ऑफ साइकिल, एट द एंड ऑफ इंटरवल, एट द एंड ऑफ मंथ विल बिकम जीरो, their difference will become zero, average demand requirement and average supply requirement difference become zero at the end of cycle, yes or no? यही हो रहा था, but sir even steady state में चल रहे थे, उसके बावजूद हमें लग रहा था कि हमारी average demand requirement और average supply requirement का जो consumption है और supply हो रही है उसका difference कितना है, zero आ रहा है, nil आ रहा है at the end of cycle, but विद इन साइकिल के अंदर हमने फाइंड आउट किया कि इवन स्टडी स्टेट में भी हमने क्या फाइंड आउट किया, कुछ फ्लक्चुएशन तो हो रहे हैं विद इन साइकिल, देन फॉर रिड्यूसिंग इट वी नीड फ्लाईव्हील। बट सर अगर ऐसा ना होए, जितनी हमें एवरेज डिमांड की जरूरत है, जितनी हमारी एवरेज रिक्वायरमेंट है एट द एंड ऑफ मंथ, और जितनी हमारी एवरेज सप्लाई रिक्वायरमेंट एवरेज सप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस अगर निल नहीं होता, सडनली एवरेज डिमांड और वी कैन से एवरेज लोड बढ़ रहा है, हमारा लोड बढ़ रहा है सिस्टम के ऊपर, हमारा सडनली लोड बढ़ रहा है, तो आपकी एवरेज डिमांड भी तो बढ़ रही है। एवरेज डिमांड मतलब समझ रहे हो ना,
हम जस्ट लाइक एट द एंड ऑफ मंथ की बात कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ मंथ हमारी क्या है, सडनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम अराइज होगी हमारी लाइफ में, 3,000 रुपीज़ हमें मंथ में मिल रहे हैं और हमारा बहुत अच्छे से काम चल रहा था, फ्लाई व्हील के अंदर बहुत अच्छे से काम चल रहा था 3,000 के अंदर, एट द हम कैसे भी जोड़ तोड़ करके हम 3,000 ही यूज कर पा रहे थे, जितना हमें 3,000 दिया जा रहा था उतना ही हम यूज कर पा रहे थे एट द एंड ऑफ मंथ, और नील हो रहा था हमारा, जितना हमने दिया गया उतना ही हमारा यूसेज हुआ। बट फिर भी हमने क्या फाइंड आउट किया, उसी साइकिल के अंदर किसी दिन आपकी सप्लाई ज़्यादा हो रही, किसी दिन आपकी कोई डिमांड नहीं थी, किसी दिन ज़्यादा डिमांड हो रही थी, ये फ्लक्चुएशन आ रहे थे, इन फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए हमने फ्लाई व्हील यूज़ किया। बट सर सडनली अगर हम विद इन मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ अगर मैं बात करूँ, सर मेरी 3,000 रिक्वायरमेंट थी, बट 3,000 सडनली एक ऐसी प्रॉब्लम अराइज होगी, वी कैन से सडनली कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ गई, आई हैव टू इंक्रीज माई कंजप्शन, आई हैव टू इंक्रीज माई मंथली कंजप्शन, लाइक 3,000 इंक्रीजेस टू 4,000, और वी कैन से आई हैव टू, और वी कैन से हमारा लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया नहीं बढ़ गया, सडनली आपको एक ही दिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है पूरे साल आप कुछ मेहनत नहीं करते हो, उस दिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी है तो आपको सप्लाई तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, यू हैव टू मैच एवरेज एनर्जी सप्लाई विद एवरेज एनर्जी डिमांड, ओके, इज इट क्लियर और नॉट, बात समझ में आई आप लोगों को, यस सर। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, आप कहीं ये सोचो सर डेली वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज की कर रहा हूँ, जैसे कोई मशीन रन कर रही है, कंटिन्यूसली रन कर रही है, एवरेज अगर उस मशीन का रनिंग की एवरेज निकालें, उसमें हमारी जो लोड बढ़ रहा है हमारा, जितनी हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उस मशीन को, उससे ज़्यादा हमारा लोड चाहिए, उस लोड को उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, एवरेज एनर्जी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, लोड हमारा बढ़ रहा है, तो डेट इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप मार्केट के अंदर आ गए जहाँ ट्रैफिक कम है, वहाँ आपका क्या होगा, लोड कम होगा, अगर आप हाईवे पे चलाओगे स्पीड तो बढ़ाओगे आप, वहाँ क्या होगा, आपका डिमांड ज़्यादा होगी, फ्यूल की ज़्यादा डिमांड होगी, यस और नो, लाइक दैट, इस तरीके से आप समझ सकते हो चीज़ों को, जीट क्लियर, बोलो यार समझ में आई बात आपको। तो अब यस सर। आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, सर सर यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारी जो एट द एंड ऑफ मंथ हमारा जो लोड बढ़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, लोड अगर हमारा बढ़ जाता है या लोड हमारा कम होता है, तो या तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, या आपकी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो डेफिसिट है, या सरप्लस हो रही है, डेफिसिट हो रही है, ये दो ही तो चीज़ें होंगी, दो ही तो चीज़ें होंगी। फर्स्ट केस में आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, फर्स्ट केस के अंदर आप फाइंड आउट कर रहे हो, फर्स्ट केस में आप फाइंड आउट कर रहे हो एवरेज एनर्जी डिमांड इज ग्रेटर देन एवरेज एनर्जी सप्लाई। सप्लाई, दिस इज केस फर्स्ट। और केस टू में आप बात कर रहे हो, ध्यान से समझना, जब भी आप एक फ्लाई व्हील और इसको आप आपस में थोड़ा सा वो कर पाओगे, इंटर रिलेट कर पाओगे, उसमें हमने क्या स्टडी किया था, इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, गवर्नर इज कम्प्लीटली डिफरेंट विद फ्लाई व्हील इन व्हाट रिस्पेक्ट, ओके, यहाँ क्या हो रहा है, एवरेज एनर्जी सप्लाई है, एवरेज एनर्जी सप्लाई है सेकेंड केस में, दैट इज केस टू, दैट इज ग्रेटर देन एवरेज एनर्जी डिमांड, जो आपकी रिक्वायरमेंट है इसमें ज़्यादा है, और हमने वहाँ पढ़ा था फ्लाई व्हील के अंदर, हमने अच्छे से पढ़ा था, जब हमारे रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और एनर्जी सप्लाई कम हो रहा हो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, यस और नो, सर। काइनेटिक एनर्जी जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज सो फास्ट, इंक्रीजेस सो फास्ट, 10 to infinity, यस और नो, सर एक अभी बच्चा कर रहा है, उसे कह लीजिए। हाँ
अच्छे से समझ में आ रही है ना बातें आपको दोनों, अगर आपने फ्लाई व्हील को अच्छे से पढ़ा होगा, आपने अच्छे से समझा होगा उसको, तो इसको बहुत अच्छे से आप इंटर रिलेट कर पाओगे बहुत बढ़िया से। तो दोनों केस मैंने बताया है, ये किस वजह से हो रहा है, ये चीज़ किस वजह से हो रहा है, ये लोड के वेरिएशन की वजह से तो हो रहा है, लोड एवरेज लोड के वेरिएशन की वजह से तो हो रहा है ये, यस और नो, ये एवरेज लोड के वेरिएशन की वजह से तो हो रहा है। इस एवरेज लोड वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, वो किसको चेंज कर रही है, ओमेगा को चेंज कर रही है, ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है। ओमेगा क्या होती है, हमारा एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉफ्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉफ्ट, और वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आउटपुट, इज इट क्लियर। मतलब कहने का मतलब है आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, सर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो हमारी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड हमारी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, सर स्पीड हमारी चेंज हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, सर एवरेज लोड वेरिएशन की वजह से हमारी चेंज हो रही है, सर वहाँ भी तो फ्लाई व्हील के अंदर भी तो हमारी स्पीड चेंज हो रही थी, बट वहाँ सर हमारा कुछ लोड नहीं था, वहाँ हम लोड को इग्नोर करके चल रहे थे सर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था सर वहाँ कि लोड हमारा चेंज हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ साइकिल फ्लाई व्हील के अंदर हमने क्या स्टडी किया, एट द एंड ऑफ साइकिल हमारा टोटल क्या है, जितना हमें ज़रूरत है और जितना हम खर्च कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, वो हमारा नील आ रहा था, बट यहाँ नील नहीं आ रहा, यहाँ हमारा लोड बढ़ रहा है, उसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई को बढ़ाना ही पड़ेगा, उस लोड रिक्वायरमेंट के साथ डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, देन ओनली काइनेटिक एनर्जी विल बिकम रनिंग इन कॉन्स्टेंट, यस और नो। आप तो यही चाहते हो ना, आपका जो व्हीकल रन करे, यही तो चाहते हो आपका व्हीकल रन करे, कोई सिस्टम है, कोई मशीन है, कोई मैकेनिकल सिस्टम है, वो रन करे, वो कॉन्स्टेंट रन करे, यस और नो, यही तो चाहते हो आप। किसी भी चीज़ को, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे रन करे, पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट स्पीड पे रन करे, फ्लक्चुएशन होंगी स्पीड के अंदर, फ्लक्चुएशन होंगी तो कितना डेंजरस हो सकता है, हमें अच्छे से पता है। हमने फ्लाई व्हील के अंदर देखा, एक साइकिल के अंदर तो कोई भी साइकिल के अंदर एक्चुअल में आपका क्या था, मैकेनिकल सिस्टम तो रनिंग कर रहा है कॉन्स्टेंट, बट एट द एंड ऑफ साइकिल हमारा नील आ रहा था, कंजप्शन और एनर्जी सप्लाई, बट विदिन साइकिल के अंदर हमने क्या फाइंड आउट किया, हमारी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही थी, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें इतना बड़ा करना पड़ा, एक इनर्सिया बढ़ाना पड़ा हमारे सिस्टम का, उस एडिशनल सिस्टम ऐड करना पड़ा, डेट इज फ्लाई व्हील। बट सर वहां तो ऐसा हो रहा था, बट यहां क्या हो रहा है सर, यहां तो हमारा कंप्लीट ही लोड ही बदल रहा है सर, लोड ही बदल रहा है, तो वी हैव टू मैच एनर्जी सप्लाई विद अकॉर्डिंग टू अवर लोड चेंज विद एवरेज एनर्जी डिमांड, देन ओनली आवर मैकेनिकल सिस्टम रनिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, यस और नो, समझ में आ रही है बात आपको, कि डिफरेंस समझ में आ रहा है, गवर्नर इज कंप्लीटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्लाई व्हील, क्योंकि उसमें इसमें तो हम साइकिल की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं सर एवरेज है, जो हमारा एवरेज है वही बढ़ रहा है सर, जो एवरेज वहां तो क्या था, ये दोनों लाइन क्या थी, आपस में मैचिंग कर रही थी, बट यहां मैचिंग नहीं करी, एक लाइन है वो कंप्लीटली ही शिफ्ट कर रही है ऊपर, एक लाइन है जो कॉन्स्टेंट लाइन है, दैट कॉन्स्टेंट लाइन इज एवरेज, और इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहे डेली वाइज वो रिप्रेजेंट करता है इस फ्लक्चुएशन को, ये जो एवरेज लाइन है ये कंप्लीटली शिफ्ट हो रही है ऊपर, या कंप्लीटली ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, अकॉर्डिंग टू लोड, लोड शिफ्ट हो रहा है। जैसे आप लोग, अगर मैं एक बात करूं मैकेनिकल सिस्टम का, इसको समझाता हूं मैं अच्छे से आपको, तो एक बात करूं, ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है, फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों ने पंचिंग मशीन देखी है, Have you seen punching machine? Hello? Yes, sir.
क्या होता है पंचिंग मशीन के अंदर, क्या होता है यूट्यूब पे देखी सर, असेंबली में नहीं देखी यार। मैं ये नहीं पूछ रहा क्या है एक्चुअली ऑपरेशन क्या है उसका, आप ये समझो। जैसे मान लो ये आपका क्या एक सीट है, एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, ये क्या आपकी एक सीट है, इस सीट के अंदर आपको ये होल कट करना है। तो यहाँ से आपका जो पंच है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप का है वो आएगा, इस प्लेट है जो ये थिकनेस है इस पे फोर्स लगाएगा और पंच कर देता है, इसको रिमूव कर देता है, इस पोर्शन को रिमूव कर देता है, ऐसा ही तो होता है, यस और नो? बट मशीन तो कम्प्लीटली रनिंग कर रही है, मशीन को एक्चुअली वर्क कहाँ करना पड़ रहा है, सिर्फ इस टी थिकनेस में ही तो वर्क करना पड़ रहा है। जब साइकिल कैसे जा रही है, ऊपर यहाँ से आ रही है, मतलब यहाँ से ले लो क्योंकि इसको क्रॉस करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइकिल ट्रैवल हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी साइकिल है, दिस इज साइकिल। और भी यहाँ और ड्रॉ कर दूँ, ये क्या है आपकी साइकिल है, जो मशीन जैसे कहते हैं ना पिस्टन का स्ट्रोक हो रहा है, दिस इज द स्ट्रोक, स्ट्रोक ठीक है, और पंचिंग मशीन का ये स्ट्रोक है, ये आपका आप देख लो इस थिकनेस को करना, यहीं तो आपका क्या है लोड बढ़ रहा है, यहीं तो आपका क्या हो रहा है लोड इंक्रीज हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा है जब इससे ऊपर जा रहे हो, नो लोड, यस और नो? ये इसको काटने के लिए ही तो यहाँ एनर्जी चाहिए, ऊपर एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी को हम सेव किससे कर रहे थे, फ्लाई व्हील से हम सेव कर रहे थे। लेकिन जब हमें एवरेज हमारा लोड बढ़ जाए, एवरेज लोड बढ़ जाए, उस केस में क्या करोगे, समझ में आई बात? इसको ऐसे समझो जैसे आप इसको समझोगे लोड की आपको रिक्वायरमेंट कैसे हो रही थी, ऐसे ही हो रही थी लाइक डैट। एक होल आपने ये किया, दूसरा होल आपने ये किया, मान लो आपने तीन होल किए किसी भी सीट के अंदर सेम एनर्जी लेवल से, ठीक है, जितनी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उतना ये हो रहा है, ठीक है। ये मैंने क्यों इंक्रीज दिखा रखा है, इसलिए इंक्रीज दिखा रखा है, मतलब इसमें तो कोई वर्क हो ही नहीं रहा, इसके अंदर तो कोई वर्क हो ही नहीं रहा, इसमें कोई वर्क हो नहीं रहा, ये जो ऊपर दिखा रखा है उठा के, ये मैंने ये दिखा रखा है, जो ये सीट थिकनेस है ना, टी थिकनेस है, इसके अंदर पंचिंग कर रहे तो यहीं तो एनर्जी बढ़ रही है हमारी। अब आपने तीन होल 10 mm, फॉर एग्जांपल सीट है 10 mm थिकनेस की थी, उसमें आपको एनर्जी सप्लाई कितनी चाहिए, एवरेज एनर्जी सप्लाई कितनी चाहिए, आपको एवरेज एनर्जी सप्लाई इतनी चाहिए, यस और नो? और आप एवरेज डिमांड भी कितनी होगी आपकी, एवरेज डिमांड भी कितनी होगी, इसी के साथ मैच करेगी, यस और नो? बट सडनली अगर मैं बात करूं, हमारा 10 mm थिकनेस की बजाय 10 mm तीन होल हमने किए, उसके बाद हमें मशीन को बोला गया आप 20 mm थिकनेस का परफॉर्म करो, उसके अंदर होल परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आपका लोड इंक्रीज होगा नहीं होगा, एवरेज लोड इंक्रीज होगा नहीं होगा, अंडरस्टैंड यार, एवरेज लोड आपका इंक्रीज होगा नहीं होगा लाइक डैट, आपका एवरेज लोड इंक्रीज हो गया। और आपका इनिशियली क्या था, यही तो था, एवरेज एनर्जी सप्लाई क्या हो रही थी आपकी, ये हो रही थी एनर्जी सप्लाई, आपका लोड कितना बढ़ गया, इतना लोड आपका बढ़ गया। ये हम किसने 10 mm थिकनेस का होल कर रहे थे, इसमें कितना 20 mm थिकनेस कर रहे थे, 3 होल, इज इट क्लियर, समझ में आई बात? तो ये एवरेज लोड बढ़ रहा है, तो हमें तो क्या चाहिए, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लोड है, वेरिएशन हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी हम आपकी एनर्जी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, कभी आपकी एनर्जी सप्लाई कम हो पा रही है क्योंकि लोड बढ़ने की वजह से डिमांड आपकी बढ़ रही है, कभी डिमांड कम हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा था, आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मैकेनिकल सिस्टम की क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, तो क्या है, दैट इज बिग प्रॉब्लम फॉर आवर मैकेनिकल सिस्टम। वी हैव टू मेंटेन कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ आवर मैकेनिकल सिस्टम, यस और नो? वी हैव टू मेंटेन आवर मैकेनिकल सिस्टम विद इन
कॉन्स्टेंट रेंज, ओके समझ गए। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा ऐसा डिवाइस और ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा जो इस स्पीड को ना चेंज होने दे, जो हमारी एवरेज एनर्जी सप्लाई को एवरेज एनर्जी डिमांड के साथ मैच कर दे। ऐसा हमें फीडबैक चाहिए, हमें ऐसा ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म हमें तैयार करना है जो क्या करे, अकॉर्डिंग टू लोड जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है उसको क्या करे, कांस्टेंट कर दे। ऐसा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक फीडबैक सिस्टम चाहिए जो कांस्टेंट मेंटेन कर दे स्पीड को ड्यू टू लोड की वजह से जो चेंज हो रही है उसको कांस्टेंट मेंटेन कर दे। ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए हमें, ऑटोमेटिक चाहिए, जो मतलब फ्यूल की सप्लाई ऐसे करे कभी कम जरूरत है, मतलब अगर हम बात करें विद इन टर्म ऑफ फ्यूल सप्लाई की टर्म में अगर हम बात करें, जैसे व्हीकल हो गया उसके अंदर बात करें, कहीं हमें ज़्यादा फ्यूल चाहिए, ज़्यादा जब लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, फ्यूल आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मशीन रनिंग कर रही है जहाँ आपको पंचिंग करना है, लोड आपका बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, जैसे हर मशीन को डिज़ाइन किया जाता है ना कि ये मशीन को आप इतने पे ऑपरेट करो, करते हो नहीं करते हो, ड्रिलिंग मशीन हो गया आपको बताया जाता है इतने पे ऑपरेट करो, इस रेगुलेशन पे ऑपरेट करो, उससे ज़्यादा आप रन करोगे तो क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और डेट विल डेंजरस फॉर आवर मैकेनिकल सिस्टम। तो वी उसको बचाने के लिए हमें ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा जो लोड चेंज हो उसके अकॉर्डिंगली हमारे एवरेज सप्लाई को मैच कर दे एवरेज डिमांड के साथ, जो लोड के साथ वेरिएशन हो इसको सेम कर दे। ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए, उस फीडबैक मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, जो फ्यूल सप्लाई ऑटोमेटिकली करे अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर मैचिंग एवरेज सप्लाई इक्वल टू एवरेज डिमांड को मैच करने के लिए। ऐसा हमें फीडबैक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली फ्यूल की सप्लाई करे। जैसे मान लो व्हीकल में आपको जहां आप स्मूथली चला रहे हो, जहां आपको लोड नहीं आ रहा है, तो वहां क्या करोगे, आपको फ्यूल कम सप्लाई करना है, यस और नो बोलो यार। और जहां आपको लोड बढ़ रहा है वहां आपको फ्यूल सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा कोई डिवाइस चाहिए जो ऑटोमेटिकली क्या करे, कभी ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़े तो ज्यादा फ्यूल दे दे, कम फ्यूल की जरूरत पड़े तो कम फ्यूल सप्लाई कर दे, मतलब वो हमारी लोड को देखते हुए इन सच ए वे दैट एवरेज सप्लाई इज ऑलवेज मैचिंग विद एवरेज डिमांड। एवरेज सप्लाई इज ऑलवेज मैचिंग विद एवरेज डिमांड, सिमिलरली लाइक फ्लाईव्हील हमने जो किया था फॉर ऑपरेटिंग आवर मैकेनिकल सिस्टम अंडर स्टेडी स्टेट, वी हैव टू मैच एवरेज सप्लाई विद एवरेज डिमांड। सो वी नीड अ गवर्नर वेन एवर देर इज अ लोड चेंज और लोड रिक्वायरमेंट, वी हैव टू ऑटोमेटिकली वी हैव टू इक्विप्ड अ सिस्टम वी हैव टू इक्विप्ड अ सच फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम विच supply fuel automatically according to load requirement, yes or no, समझ में आई बात? feedback mechanism, yes sir, बिल्कुल साफ आ गई समझ में आपको। देखो मैं बताता हूँ आपको गवर्नर क्या है और क्या चीज है। जैसे आप जूसर मशीन के अंदर बात करते हो, जब आप जूस बना रहे हो, आप नहीं मतलब किसी चीज़ का भी जूस बना रहे हो, अगर उसके अंदर लोड आपको डालना है तो हैवी मतलब ज़्यादा मटेरियल को एकदम यूज़ करो, ज़्यादा मटेरियल का एकदम से जूस निकालोगे क्या होगा, लोड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा,
मशीन के अंदर, तो लोड बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगा तो हो सकता है बंद हो जाए और आपका क्या है मैकेनिकल सिस्टम डैमेज हो जाए, जल जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके अंदर एक नॉब दी होती है, चेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के लिए। आप क्या करते हो, मैनुअली चेंज करते हो, नहीं करते हो लाइक दैट, आप मैनुअली चेंज करते हो। यस और नो, बोलो यार, देखा नहीं है क्या प्रोड्यूसर मशीन के अंदर? yes, पहला रन करते हो, पहला आपने रोटेट किया, उसके बाद दूसरा रोटेट करते हो, फिर तीसरा रोटेट करते हो, तीन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे रोटेट करने के लिए होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोड पे चलाने के लिए। जब लोड बढ़े तो आप थोड़ा और ज्यादा स्पीड बढ़ा दो, अगर नहीं बढ़ाओगे तो आपका मैकेनिकल सिस्टम डैमेज हो जाएगा, मशीन चलेगी नहीं और आपका क्या है डैमेज हो जाएगा, चल जाएगी। वहां तो आप अभी करेंगे बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पे बातें करेंगे। वहां तो आपने क्या किया, डेट इज नॉट गवर्नर, उसको हम गवर्नर, बट एक्चुअली है तो वो गवर्नर ही, बट डेट इज नॉट एक्चुअली गवर्नर, बट है तो वो गवर्नर ही। आप उसको मैनुअली कंट्रोल कर रहे हो, उसकी स्पीड को क्या हो, आपकी जो जूसर मशीन है, जूसर मिक्सर मशीन है, मैनुअली आप नोब से स्पीड तो कंट्रोल कर रहे हो, जैसे बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो उसमें आप स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हो, बोलो यार, बाइक चला रहे हो उसमें स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हो? एक्सीलरेटर से सर। एक्सीलरेटर से करते हो, नहीं करते हो? उसमें गवर्नर कौन हुआ, गवर्नर कौन हुआ? बट एक्चुअली तो मैनुअली कर रहे हो आप कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप मैनुअली तो कंट्रोल कर रहे हो बाय योर हैंड, तो गवर्नर कौन हुआ? आप ही तो हुए सर, हम ही तो हैं जो बाइक चला रहे हैं, गवर्नर जो उसकी स्पीड को कंट्रोल कर, माइंड सर, हमारा माइंड, यस हमारा माइंड ही तो है जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वी आर गवर्नर, वी आर गवर्नर, यस और नो? है तो गवर्नर ही है एक टाइप का, डेट इज गवर्नर, अगर हम डिफरेंट लैंग्वेज में बात करें, एक्चुअली ऐसा नहीं होता गवर्नर, लेकिन काम तो गवर्नर जैसा ही कर रहा है। अब जैसे मैंने जूसर मशीन में बताया, उसमें हम नोब को रोटेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे, जैसे फैन को चलाते हैं फुल स्पीड में चलाना है, डिफरेंट स्पीड में चलाना है, उसको हम नोब से कंट्रोल तो कर रहे हैं, उसकी स्पीड को कम ज्यादा करना वो कैसे कर रहे हैं, वो तो मैनुअली कर रहे हैं, बट हमें तो ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए जो क्या करे, जो क्या करे हमारे मैकेनिकल सिस्टम की एवरेज सप्लाई को, एवरेज डिमांड को हमेशा मैच करे, जब जब लोड बदलता रहे, जब जब लोड चेंज होए, उस लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करे, फ्यूल सप्लाई डिफरेंट डिफरेंट रेट से सप्लाई करे अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट, ऐसा ऑटोमेटिक चाहिए, याद रखना वर्ड गवर्नर में क्या चाहिए, ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं सर अभी लोड बढ़ गया सर, मुझे स्पीड को बढ़ाना के लिए फ्यूल ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, उसी में लग रहा हूं सर, मुझे अब लोड कम हो गया, फ्यूल को कम सप्लाई करना है, फ्यूल की बचत कम करनी है, फ्यूल की बचत करनी है तो फ्यूल कम सप्लाई होनी चाहिए, फिर आप मैनुअली करिए, मैनुअली नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए जो लोड के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल कर सके और सिस्टम को एक स्टेबल स्पीड पे मूव करवा सके, रन करवा सके, मशीन को जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम है उसको सुटेबल स्पीड पे रन करवा सके। ऐसा गवर्नर चाहिए सर, ऐसा फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करने वाला, ऑटोमेटिक कंट्रोल करने वाला हमें गवर्नर चाहिए बाइक। बट एक्चुअल में मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि मैं बार बार बाइक पे सवाल उठा रहा हूं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, बाइक के अंदर भी कोई भी गवर्नर होता है क्या? इज देयर एनी गवर्नर इन बाइक? सो रिमेंबर देयर इज नो गवर्नर इन बाइक, बट इन डीजल कार में, इन डीजल कार के अंदर आई थिंक गवर्नर होता है, बट इसके अंदर कोई ऑलवेज प्रेजेंट सर, इसमें तो हम क्या है, हम खुद ही गवर्नर है जो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, इज इट क्लियर? अब एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपको, जैसे अगर मैं बात करूँ जस्ट लाइक ये मान लो आप हो, ठीक है, ओके, ये कौन हो, आप हो, एनी स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास? नो सर। चलो प्रदीप भी है, लेट दिस इज प्रदीप, इट्स वेट्स लाई डाउनवर्ड,
दैट इज इक्वल टू एम जी. ओके स्टेबल है, स्टेबल है. अभी अगर मैं इस प्रदीप को बोलता हूँ, सडनली मैं प्रदीप को बोलता हूँ यू हैव टू क्लाइंब ऑन डेट पाथ, तो क्या होगा, क्या होगा? प्रदीप को इस डायरेक्शन में रन करने के लिए बोलता हूँ, चढ़ाई चढ़नी है इसके ऊपर, क्या होगा? अंडरस्टैंड डेट ई डब्ल्यू एम जी और इट्स सम मैग्नीट्यूड, इट्स सम मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक एम जी कोस थीटा. और आप रन किस डायरेक्शन में कर रहे हो? इस डायरेक्शन में आप रन कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, नहीं कर रहा है आपका, अपोज कर रहा नहीं कर रहा. इसलिए आपको क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ रहा है, आपका एक्स्ट्रा लोड इंक्रीज हो रहा है. तो यू हैव टू, यहाँ आपकी एनर्जी सप्लाई, सॉरी एनर्जी डिमांड इंक्रीज कर रही है ड्यू टू एक्स्ट्रा लोड बढ़ने की वजह से. क्या है देखो यहाँ क्या है, दोनों चीज बैलेंस है. यहाँ क्या है, वेट बैलेंस ही तो है. यहाँ आप रन नहीं कर रहे हो, कहीं भी स्टेबल हो रन नहीं कर रहे. ये वाला कंपोनेंट अपोज तो नहीं कर रहा, मान लो इस डायरेक्शन में फ्लैट सरफेस पे रन भी कर रहे हो, ये कंपोनेंट अपोज तो नहीं कर रहा इसको. लेकिन जब चढ़ाई चढ़ोगे तो उसमें क्या है, ये वाला कंपोनेंट वेट अपोजिट में आ रहा है, आपको भागने से रोक रहा है. इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोज कर रहा है. इसका मतलब लोड बढ़ गया, आप जब भी चढ़ाई चढ़ते हो तो आपका लोड बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, तो यहाँ आपके पास एनर्जी सप्लाई कम होगी तो आप चढ़ नहीं पाओगे, रोल करते हुए वापस आ जाओगे. तो चढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, यू हैव टू मैच योर एवरेज डिमांड, एवरेज एनर्जी डिमांड विद एवरेज एनर्जी सप्लाई. तो ऑटोमेटिकली गवर्नर कौन हो इसमें, गवर्नर आप खुद हो, आपका माइंड है गवर्नर, जो आपको एकदम से इंस्ट्रक्शन देगा आपको ऊपर चढ़ना है. तो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, उसी माइंडसेट के साथ आप एनर्जी सप्लाई करोगे, उसी माइंडसेट के साथ एनर्जी सप्लाई करोगे और मैच करोगे एनर्जी डिमांड के साथ. यस और नो, यहाँ लोड बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इस काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो बढ़ा के हमें क्या है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे लेके आना है, तो आपको क्या है, एनर्जी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी. अब दूसरा केस देखो, अगर आपको बोला जाए ये है प्रदीप, ये है आप रन कर रहे हो नीचे की ओर, आप रन कर रहे हो तो आप स्पीड से करोगे या कम करोगे, समझो इस बात को. इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है, ये आपका वेट है थीटा, और ये वाला भी कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है. ये क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है आपकी ऑलरेडी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है. तो जब भी आप ऊपर से नीचे उतर रहे हो तो आपकी ऑलरेडी स्पीड बढ़ रही है, मतलब यहाँ क्या है, लोड की रिक्वायरमेंट घट रही है, लोड की रिक्वायरमेंट घट रही है. तो ऑटोमेटिकली समझो कम है सर, लोड तो कम हो रहा है, एवरेज लोड कम हो रहा है ना, एवरेज डिमांड कम हो रही है, यहाँ एनर्जी सप्लाई तो ज्यादा होगी हमारे पास. तो आपको ऊपर से नीचे आते टाइम आपकी एनर्जी सप्लाई बढ़ रही है और आपका लोड कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या समझोगे, You have to match your energy supply with energy average energy demand. For this, you have to reduce your energy supply. You already favor कर रहा है ना ये वाला component. ऊपर से नीचे आते time तो आपको ज़्यादा effort लगेगा नहीं, इसमें ज़्यादा effort लग रहा है, इसमें effort हमारा बढ़ रहा है. जब चढ़ाई कर रहे हो नीचे उतर रहे हो उसमें effort कम हो रहा है, तो automatically हमारी requirement तो कम हुई, load तो कम हो गया. तो इसमें आपका मैकेनिकल सिस्टम, आपका दिमाग होता है, सॉरी मैकेनिकल सिस्टम तो आप खुद हो, इसमें गवर्नर कौन होता है, आपका दिमाग होता है जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा. यहाँ आपको स्लो रन करना है उसी स्पीड से है, तो मतलब वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है. इंस्ट्रक्शन इज जस्ट लाइक फ्यूल सप्लाई, इंस्ट्रक्शन इज सेंडिंग फ्रॉम योर माइंड जस्ट लाइक फ्यूल सप्लाई है ना. तो वो आपको बोलेगा जैसे यहाँ आपका लोड कम हो रहा है, यहाँ कम फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा आपको, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, है ना. और जब चढ़ रहे हो यहाँ आपको फ्यूल ज़्यादा चाहिए, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा. तो ये हमारा
जो गवर्नर है ना ऑटोमेटिकली आवर माइंड इज गुड गवर्नर जो ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है अकॉर्डिंग टू अवर लॉर्ड चेंजेस उसके अकॉर्डिंगली चेंज करता है. ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म हमें तैयार करना है जो हमारे लॉर्ड के अकॉर्डिंग वर्क करे, फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करे. याद रखना फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करे. ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए, ऑटोमेटिक फीडबैक चाहिए जो ऑटोमेटिकली लोड बढ़े तो कम फ्यूल सप्लाई कर दे, जब लोड घटे जब लोड बढ़े फ्यूल सप्लाई ज़्यादा कर दे, जब लोड कम होए फ्यूल सप्लाई को कम कर दे. तो जिससे क्या है हमारी एवरेज सप्लाई और एवरेज डिमांड हमेशा मैच करेगी और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी. काइनेटिक एनर्जी रनिंग विद स्टेबल स्पीड और वी कैन से ऑलवेज मैचिंग लाइक दैट. एवरेज डिमांड ऑलवेज मैच विद एवरेज डिमांड अंडर स्टडी स्टेट. यस और नो, समझ में आई इतनी बात आप लोगों को? गवर्नर समझ में आ गया एक्चुअल में गवर्नर क्या होता है? आ गई सर, बिल्कुल क्लियर कट आ गई ना चीजें समझ में गवर्नर क्या है एक्चुअल में सर. यस प्लीज सर. थर्ड सेमेस्टर में सुभाष बोरिया सर हमें वो जनरेटर रूम में लेके गए थे सभी बच्चों को, तो वहां पे दिखाया था गवर्नर क्या होता है, उसका काम क्या होता है. सर वहां पे सर ने ये बताया था कि भाई अगर यहाँ पे जनरेटर को तेल की ज्यादा आवश्यकता है तो ये गवर्नर ज्यादा सप्लाई करेगा और कम आवश्यकता है तो कम करेगा, ये ऑटोमेटिक है सिस्टम सारा. तो वो क्या है मतलब तेल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वो क्या है? एज पर लोड ही तो है. मतलब अगर आप ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आप ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो आपको यू हैव टू सप्लाई मोर फ्यूल. यू हैव टू सप्लाई भी ज्यादा लगेगा सर मोर फ्यूल टू योर मैकेनिकल सिस्टम. तो डेट विल रेगुलेट बाय गवर्नर. डेट विल रेगुलेट बाय गवर्नर. यस सर समझ में आ गई बात. गवर्नर तो लोड के अकॉर्डिंग जो चीज काम करती है और उसको रेगुलेट करना. देखो ओवरऑल चीज हम क्या चाह रहे हैं, हमारा मैकेनिकल सिस्टम स्मूथली रन करे. ऐसा नहीं सर हमारे कभी एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरत पड़ी, लाइट कम पड़गी तो क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रही है, तो नहीं चाह रहे हम. एक कॉन्स्टेंट रनिंग चाह रहे हैं, स्मूथली चाह रहे हैं हमारा मैकेनिकल सिस्टम स्मूथली रन करेगा तो डेट इज बेटर, लाइफ ज्यादा होगी. अदरवाइज क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. तो वी हैव टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ आवर मैकेनिकल सिस्टम. मैंने उस दिन भी बताया था मैकेनिकल सिस्टम इज लाइक जनरेटर मोटर एनीथिंग लाइक. यस और नो बोलो यार, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? जिस मेथड से मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ आपको समझ में आया? एनालॉजी जो मैंने उसमें आपको फ्लाई व्हील के अंदर बताया एनालॉजी दोनों का डिफरेंस समझ में आया. उसमें हम साइकिल की बात कर रहे थे, यहाँ साइकिल की कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि एवरेज डिमांड ही शिफ्ट हो रही है तो साइकिल की तो बात ही नहीं. उसमें साइकिल के अंदर ही फ्लक्चुएशन को रिड्यूस कर रहे थे बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. इसमें हमें स्पीड को रेगुलेट करना है जब लोड के अकॉर्डिंग चेंज होए. यहाँ कोई भी हम साइकिल की बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो फ्लाई व्हील तो क्या कंटिन्यूसली था, ये कैसा हुआ इंटरमीटेंट बोलेंगे जो रुक रुक के है, कभी लोड कम ज़्यादा होने पे उसको रेगुलेट करे स्पीड को. तो हमें हिसाब से गवर्नर फ्लाई व्हील के बीच में पूछा जाता है डिफरेंस. इज इट क्लियर? बोलो यार समझ में आई बात आप लोगों को? गवर्नर अच्छे से? यस सर क्लियर है. अब हम बात करते फर्दर डिस्कशन करते हैं गवर्नर के बारे में. इस पेज के अंदर आ जाएगा क्या, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं. आप है ना ध्यान फ्लाई व्हील वाले चैप्टर को अच्छे से आप एक बार रीड करना, आपको डिफरेंट फीलिंग आएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. फाइनली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम करना क्या चाह रहे हैं उसके अंदर. साइलेंटली अकेले में सुनना उस चीज को. अब यस क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? हेलो कुछ पूछना है क्या? अब देखो गवर्नर बेसिकली आपके
जनरली कॉर्नर के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे से क्या होता है। एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली स्पीड को रेगुलेट करे, उसके अकॉर्डिंगली हम फ्यूल को सप्लाई कम ज़्यादा करें, डेट इज़ गवर्नर। अब देखो इसके अंदर गवर्नर भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, दूसरा होता है इनर्सिया गवर्नर। ठीक है, इनर्सिया गवर्नर। तो याद रखना जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है डेट इज ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से चेंज इन ओमेगा, ओमेगा चेंज होता है, एंगुलर स्पीड के चेंज की वजह से इसमें क्या होता है आपका एक्चुअल में रेगुलेट करता है फ्यूल, मतलब लोड आपको ये चीज़ को मेंटेन करना है। इसमें क्या होता है रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ये याद रखना है इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, और वी कैन से एक्सलेशन, एक्सलेशन की वजह से इसमें इनर्सिया गवर्नर को हम स्टडी करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से। अब पहले ये आपका कुछ है नहीं इनर्सिया गवर्नर, आपके सिलेबस में भी नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर ही आपके सिलेबस में है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। अब ध्यान से समझना, अब हम मैकेनिज्म समझेंगे, गवर्नर क्या क्या है, सिंपली हम मैकेनिज्म समझेंगे, काम कैसे करता है गवर्नर, काम कैसे करता है, वो चीज़ को हम अब समझेंगे, हाउ इट वर्क, हाउ इट विल मेंटेन फ्यूल सप्लाई, और हाउ इट विल मेंटेन स्पीड ऑफ आवर मैकेनिकल सिस्टम। ओके, समझ में आई बात कुछ, इसमें थोड़ा यार डायग्राम की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब देखो जो हमारा इंजन है जो पावर सप्लाई कर रहा है, इंजन है इस साइड बना देता हूँ, जो हमारा इंजन है जो पावर सप्लाई कर रहा है लाइक दैट, दिस इज द आउटपुट ऑफ आवर इंजन। ओके, दूसरे उससे बनाते हैं, ये क्या है आपका इंजन की आउटपुट शाफ्ट है। ओके, दिस इज द आउटपुट ऑफ इंजन, तो मतलब यही इंजन सप्लाई पावर तो इसी में मिल रही है आपको, आउटपुट में मिल रही है। यहाँ हम एक गियर जोड़ देते हैं, बेवल गियर हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं, हेयर वी विल कनेक्ट अ बेवल गियर लाइक दैट, ओके, यह हमने क्या किया, ये क्या कर दिया, एक गियर मैकेनिज्म से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, दिस इज बेवल गियर। ठीक है, अब इसके आउटपुट पे इस बेवल गियर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, स्पिंडल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां हमने क्या किया, एक मिनट डायग्राम में प्रॉब्लम आती है कई बार, क्या होता है, ये हमारी क्या होगी, स्पिंडल होगी, दिस इज आवर स्पिंडल, ओके। अब देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, यहां हम एक डिफरेंट, ये अलग सिस्टम है, दिस इज द स्पिंडल, ये क्या आपकी स्पिंडल है, और यहाँ हम इस स्पिंडल के आउटर पोर्शन पे एक होलो कंपोनेंट है जिसके अंदर ये स्पिंडल है,
इसके आउटर पेरिफेरी पे हम यहाँ माउंट कर देंगे, डेट इज नोन एज स्लीव। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम स्लीव। ओके, समझ में है? इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? इस पोर्शन, ये आउटर पेरिफेरी पे है, आप ऐसे समझ सकते हो लाइक दैट। ये आउटर पेरिफेरी पे है, इसकी शाफ्ट के आउटर पेरिफेरी पे है, एक होलो टाइप है जिसके अंदर शाफ्ट है। समझ में आई बात आप लोगों को? यस और नो? देखो, इसको हम बोलेंगे स्लीव बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? स्लीव। जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है तो स्लीव होती है ना, लाइक दैट ये स्लीव होगी। और जो जस्ट लाइक मेरी सोल्जर आर्म है वो क्या है? स्लीव के अंदर है। जस्ट लाइक ये क्या होगी? हमारी स्पिंडल होगी। ये बाहर क्या होगी? स्लीव होगी, मेरी टी शर्ट की स्लीव होगी। इस तरीके से ये इसके आउटर पेरिफेरी पे है। समझ में आई बात आप लोगों को? डेट इज स्लीव। ठीक है, एक कंपोनेंट है, मैकेनिकल कंपोनेंट है। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई? बोलो यार। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्टिंग करेंगे, एक लिंक कनेक्ट करेंगे इसको, एक बॉल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे लिंक। ये एक इसी शाफ्ट के ऊपर कनेक्ट किया हुआ हमने ये वाले पोर्शन को, ये हमारा एक लिंक हो गया। इस लिंक को क्या बोलेंगे? अपर आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लिंक को? क्या बोलते हैं? अपर आर्म बोलते हैं। और ये क्या हो गया? हमारी बॉल होगी। क्या होगी ये? दैट इज बॉल। इज इट क्लियर? राउंड शेप में आपकी क्या है? ये बॉल है। अब हेयर वी विल कनेक्ट, इसको लोअर आर्म के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ये आपकी लोअर आर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस लिंक को क्या बोलेंगे? लोअर आर्म, क्योंकि नीचे की ओर है लोअर आर्म। इस लिंक को लोअर आर्म बोलेंगे। समझ में आई बात आप लोगों को? अब देखो, सिमिलरली इस साइड भी आपका एक होगा, बिल्कुल सेम सिस्टम होगा। जस्ट लाइक जैसे इस साइड हमने ड्रॉ किया है, लाइक दैट। हाँ, इस तरीके से ये अपर आर्म होगी। इसको क्या बोलोगे? अपर आर्म। इसको क्या बोलोगे? लोअर आर्म। ओके, ये इसके साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? ये आपका स्लीव के साथ कनेक्टेड है। अब देखो, इस स्लीव के लोअर एंड पे हम क्या करते हैं, लाइक दैट, यहाँ हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं बेल क्रैंक लीवर। आप लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा बेल क्रैंक लीवर कैसा होता है, लाइक दैट। इस तरीके का होता है जिसमें क्या होता है, एक पॉइंट पे हिंज कर दे, इस पॉइंट के अबाउट क्या करता है ये आपका रोटेट करता है। अंडरस्टूड? समझ में आए बेल क्रैंक लीवर कैसा होता है? ऐसा होता है। अब देखो, बेल क्रैंक लीवर बनाता हूं मैं यहां पे। थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, थोड़ा इसमें डायग्राम में टाइम लगता है। एक बार ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको, फिर आपको मोस्टली चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस इज बेल क्रैंक लीवर। अंडरस्टूड? ये बेल क्रैंक लीवर हो गया। यहाँ क्या है? पिंड कर रखा है। यहाँ क्या कर रखा है? पिंड कर रखा है। तो इस पिंड के अबाउट ही तो क्या करेगा, ये हिंज है, पिंड और वीकेंड से हिंज है, तो ये क्या करेगा, इसका मोशन कैसे होगा,
अगर कोई चीज ऐसे है तो इसी पॉइंट के अबाउट तो ऐसे मोशन करेगी लाइक दैट, यस और नो? इसी पॉइंट के अबाउट तो आपका ओसिलेट करेगी, बोलो यार, यस और नो? अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो यार, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आया बात? अब मान लो, अब आप बोलोगे सर ये इसका आउट, इस पोर्शन को हमने किससे कनेक्ट किया है, लेट इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, इसको मैंने डेट इज थ्रोटल वाल्व, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोटल वाल्व बोलते हैं, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ये हमारी क्या है, एक पाइप है जिसमें क्या हो रहा है, फ्यूल सप्लाई हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, फ्यूल सप्लाई हो रहा है, ये फ्यूल जो सप्लाई हो रहा है कहाँ से आ रहा है, इंजन ही तो भेज रहा है इसको, इंजन ही तो कंट्रोल कर रहा है, फ्यूल भेज रहा है कौन, इंजन ही तो भेज रहा है इसको फ्यूल सप्लाई इस पाइप के अंदर, ठीक है? ये क्या आपकी, डेट इज थ्रोटल वाल्व, थ्रोटल वाल्व देखा होगा, थ्रोटल वाल्व के मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसको। अब देखो, अब समझते हैं इसको अच्छे से, ध्यान देना, इसमें ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, डेट इज द इंजन, ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, इंजन से कनेक्टेड है, दिस इज द इंजन आउटपुट, और वी कैन से इंजन शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट है इंजन की। तो मान लो ये रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, इस तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इस गियर मैकेनिज्म से, तो ये भी आपको किस डायरेक्शन में नजर आएगा, इसी डायरेक्शन में नजर आएगा रोटेट करता हुआ। ये क्या आपका गियर मैकेनिज्म है, गियर मैकेनिज्म है, गियर से कनेक्टेड है ये दोनों, क्या आपके, और ये क्या आपकी स्पिंडल है, दिस इज द स्पिंडल। अब देखो कैसे हम कंट्रोल करते हैं, ये समझना हमें सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर के अंदर, ध्यान देना इसके अंदर, जब हमारा ये देखो, ये जो ये वाला लिंक है आपको नजर आ रहा है, ये इस लिंक को क्या बोलोगे, जो ये कनेक्टेड है, स्पिंडल का रोटेशन होगा तो ये इसको भी रोटेट करेगा, इस लिंक के अंदर भी तो मोशन देगा, अपर आर्म बोलोगे इसको, और इसको क्या बोलोगे, लोअर आर्म, ऐसे दूसरा पोर्शन इस साइड है इससे, और जो ये आपका स्लीव है, स्लीव का एक टाइप का वेट है, मान लो कोई चीज होलो होती है ना, होलो पाइप होती है, होलो पाइप के अंदर आप एक पाइप और डाल दो, एक पाइप और डाल दो, दिस इज स्पिंडल, दैट पाइप, दैट होलो कंपोनेंट इज विच इज कंप्लीटली सराउंडेड, दैट स्पिंडल इज नोन एज स्लीव। जैसे आप टी शर्ट पहनते हो, हाफ बाजू की आप टी शर्ट पहनो, या हाफ स्लीव नहीं बोलते हो आप, स्लीव है, और आपका हाथ बॉडी होती है, वो क्या होती है, स्पिंडल, और जो उस बॉडी को कवर कर रहा है कंप्लीटली, वो क्या हो गया आपकी, स्लीव है। तो ये वो स्लीव है, एक कंपोनेंट है, होलो कंपोनेंट है, जो इसमें क्या करेगा, स्लाइड करेगा, अप डाउन मूवमेंट करेगा, याद रखना, स्लीव क्या करेगा, स्लीव क्या करेगा, इस स्पिंडल में अप और डाउन मूवमेंट करेगा, ठीक है? इसकी भी रेंज हमने डिसाइड कर रखा है विद इन लिमिट के अंदर, विद इन लिमिट मतलब एक स्टॉपर लगा दिया यहां और यहां, इन दोनों के बीच में ही इसका मोशन होगा, इसका स्लीव का, और इसको हम लिफ्ट बोलते हैं, जैसे स्ट्रोक बोलते हैं ना, स्ट्रोक होगा, हम कहेंगे जो स्लीव का स्ट्रोक होगा उसको क्या बोलेंगे, स्लीव का जो स्ट्रोक होगा लिफ्ट बोलते हैं, और दिस इज जो स्लीव का, जैसे पिस्टन का मूवमेंट होता है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ना स्ट्रोक, वन स्ट्रोक। सिमिलरली जो स्लीव का जो अप डाउन मूवमेंट ही होगा इसके अंदर, ठीक है? स्लीव क्या है, इसके अंदर स्लाइड ही करेगा अप डाउन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्लीव लिफ्ट बोलेंगे, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, स्लीव लिफ्ट बोलोगे। समझ में आया, स्लीव लिफ्ट क्या है, जो ये मोशन हो रहा है इस मोशन को क्या बोलोगे, स्लीव लिफ्ट, और इस स्ट्रोक को क्या बोलोगे, स्लीव स्ट्रोक। आपको इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बोलो यस और नो? यस सर। और लेट आर बी द रेडियस,
आर क्या है, रेडियस होगा वरना आप रेडियस बोल लो इसको। और वेट वेट एक मिनट में देख के बताता हूँ बुक में। रेडियस ऑफ बाल, रोटेशन ऑफ बाल, ठीक है, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बाल बोलते हैं। ये जनरली कहाँ से लेते हैं, जो इसका एक्सिस है ना, दिस इज द एक्सिस। किसका एक्सिस है ये, स्पिंडल का, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है डेट इज द आर। सेंटर ऑफ बाल टू सेंटर ऑफ एक्सिस रेडियल डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बाल। समझ में है, जो रेडियल डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ बाल से लेके जो स्पिंडल एक्सिस के सेंटर तक जो रेडियल डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात या नहीं आई समझ में, बोलो। आगे इसको मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। एक होता है एच, हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर हमेशा क्या लेते हैं, यहाँ से लेते हैं जो सेंटर ऑफ बाल है, और जो टॉप, ये जो अपर आर्म और लोअर आर्म है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज एच, और वी कैन से हाइट ऑफ गवर्नर। समझ में आया, हाइट ऑफ गवर्नर क्या होगा, जो सेंटर ऑफ बाल से लेके ये अपर आर्म है और दूसरे साइड के अपर आर्म है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करेंगे डेट इज डेट पॉइंट, इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करेंगे वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, यहाँ सेंटर ऑफ बाल से लेके वर्टिकल डिस्टेंस होगा वहाँ तक, उसको क्या बोलोगे, हाइट ऑफ गवर्नर। ये तो बेसिक चीज़ें थी, इससे हमें ज़्यादा कुछ अभी लेना देना नहीं है, ये बात की चीज़ें। अभी हमें इस मैकेनिज्म को समझना है, समझ में आई बात। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे ही आप इंजन इनिशियल इनिशियल स्टेज में क्या है, इंजन पावर सप्लाई करेगा, तो एट इनिशियल लेवल पे क्या होगा ये, आउट अगर मैं बात करूं, एट इनिशियल लेवल पे क्या होगा हमारा, चेंज करते हैं, एट इनिशियल लेवल पे हमारा क्या होगा, ये देखो लोड बढ़ेगा नहीं बढ़ता है। इनिशियल लेवल पे क्या होता है, कोई भी मशीन स्टार्ट होती है तो क्या होता है, लोड बढ़ता नहीं बढ़ता। एट इनिशियल लेवल पे क्या होगा हमारा, बोलो यार, लोड इंक्रीज होगा नहीं होगा। कोई भी आप मैकेनिकल सिस्टम को मैंने बताया था रनिंग करते हो, उसमें डिमांड ज़्यादा होती है, यस और नो, एनर्जी सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होता है आपका, लोड इंक्रीज होता है नहीं होता है, इनिशियली लोड ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। बताया था इनिशियली किक चाहिए होता है, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए एक स्पेशल किक चाहिए होता है इन फॉर्म ऑफ पावर इनपुट। सो जो नॉर्मली जितनी पावर कंज्यूम करता है एट सम रेंज, उससे कम, उससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग में, और जब आपको मैकेनिकल सिस्टम को बंद करना होता है, आपको लोड कम चाहिए क्योंकि स्टॉप करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना है, तो उसमें पावर की सप्लाई आपको कट ऑफ करनी पड़ती है, यस और नो, ऐसा ही तो करते हो आप। अब देखो, जब इनिशियल लेवल में किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के इनिशियल लेवल में लोड बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, लोड बढ़ता है तो क्या होता है, बोलो यार, लोड बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा होगी सर, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड फ्यूल इंक्रीज कंजप्शन, होगी ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होता है, केस 3 इन फ्लाईव्हील चैप्टर, केस 3 इन फ्लाईव्हील चैप्टर, जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई से ज्यादा हमें जरूरत है, एनर्जी सप्लाई से ज्यादा है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज डिक्रीज होगी नहीं होगी, बोलो यार। होगी जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी क्या होता, ओमेगा सर, डिक्रीज होगा, या छोड़ लो, ओमेगा डिक्रीज होगा, ये क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा डिक्रीज होगा नहीं होगा, बोलो यार। अगर ओमेगा डिक्रीज होगा, ध्यान से समझना, अब स्टार्ट होता है ये मैकेनिज्म। अब तक तो हमने डायग्राम बनाया है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली किया है, स्टार्टअप हो रहा है एक्चुअल में। जैसे इनिशियली अगर आप चलाते हो इसको, इंजन आप
ने चलाया इनिशियली तो क्या होता है, लोड ज़्यादा होता है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये आपका रोटेट कर रहा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, यहाँ से ये स्पिंडल भी तो क्लॉक वाइज में रोटेट करेगी, ये रोटेट किया तो ये इससे क्या है, किससे कनेक्टेड है, गियर से, बेवल गियर मैकेनिज्म से है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो किससे कनेक्ट होता है, बेवल गियर मैकेनिज्म से है जो हमने गियर चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि बेवल गियर से कनेक्टेड है। अब बेवल गियर क्या करेगा, इसको सिमिलरली इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा, जैसे मैंने ये दिखा रखा आपको लाइक डैट, इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये स्पिंडल रोटेट करेगी विद सम स्पीड, या छोड़ लो, स्पिंडल सर स्पिंडल विल रन विद सम एन आरपीएम। ओके, जब ये रोटेट करेगा तो ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक लिंक जुड़ा हुआ है, स्पिंडल रोटेट करेगा, एक लिंक जुड़ा हुआ है अपर आर्म, बोलो यार, तो ये जुड़ा हुआ है, ये किसको, बॉल को भी तो घुमाएगा, बॉल पे फोर्स नहीं लगाएगा, बॉल को भी तो अपने साथ लेके जाएगा लाइक दैट, इस बॉल को भी तो रन करवाएगा, ये स्पिंडल घूम रही है, ये स्पिंडल स्पिंडल घूम रही है, स्पिंडल घूम रही है, ध्यान देना इसके एक्सिस के अबाउट, ये बॉल भी तो घूमेगी, बॉल भी तो घूमेगी, यस और नो, ये बॉल भी तो रोटेट करेगी। और मैं कह रहा हूँ अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी तो ये बॉल घूमेगी, इसकी भी तो स्पीड कम होगी, यस और नो, बॉल की स्पीड भी तो कम होगी, बोलो यार, यार आप रिस्पॉन्स नहीं करते तो मजा नहीं आता पढ़ाने में, बॉल की स्पीड कम नहीं होगी, तो यस सर। ये बॉल की स्पीड कम होगी, और मैंने बताया जब ये लिंक है, किससे लिंक है, जो इससे कनेक्टेड है बॉल से, अपर आर्म ही तो कनेक्टेड है, फिर इस बॉल से कनेक्टेड है लोअर आर्म, लोअर आर्म किससे कनेक्टेड है, स्लीव से। अब हमें स्लीव का मूवमेंट देखना है, किसका मूवमेंट देखना है, स्लीव का मूवमेंट, और मैंने बताया स्लीव क्या करेगा, शाफ्ट के अंदर होलो है, होलो कंपोनेंट है, जस्ट लाइक योर टी शर्ट इज, टी शर्ट स्लीव होती है, जैसे आपके बॉडी है बाहर की साइड में होती है ना टी शर्ट स्लीव, वो तो अलग ही है उससे, आपकी बॉडी से तो अलग ही है, टी शर्ट को निकाल सकते हो, डेट इस स्लीव, ये आउटर है, सराउंडिंग है, तो ये क्या करेगी, इसके अंदर क्या करेगी, अप डाउन मूवमेंट करेगी, इस अप डाउन के मूवमेंट को देखना हमें, इस अप डाउन को मूवमेंट को देखने के लिए हमने क्या देखा, बॉल का रोटेशन, बॉल का जब रोटेशन होगा, जब आप क्या है काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो बॉल का रोटेशन की भी तो आपकी स्पीड कम होगी, यस और नो, बॉल की स्पीड कम होगी, और हमें पता है जब भी आप बॉल को रोटेट करोगे, किसी भी चीज को आप रोटेट करते हो, सर्कुलर मोशन देते हो, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, एक्टिंग जनरली रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड ही तो लगता है ये हमेशा, आपने देखा होगा ये बॉल है, ये बॉल है, ये कैसे लगेगा, एफ सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये रेडियली तो आउटवर्ड लगेगा, ऐसे ही तो लगेगा ये फोर्स, बट मैं क्या कह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसके ऊपर ये आपका एफ सी कम होगा नहीं होगा, बोलो यार, ये मैग्नीट्यूड कम होगा तो ऑटोमेटिकली आप, जब आपने देखा होगा पत्थर को आप रस्सी से बांध दो और उस रस्सी के एक एंड को पकड़ो, दूसरे एंड पे आप पत्थर बांध दो और उसको जोर जोर से घुमाओ, आपको फील होगा, आपके हाथ के अंदर खिंचाव महसूस होगा, अगर ज़्यादा करोगे तो आपका आप उसी स्पीड से बाहर की ओर खिंचाव फील करोगे, आप बाहर की ओर खिंचाव फील करोगे, डेट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की ओर खिंचाव फील करते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर बाल की स्पीड कम, जैसे मैं कह रहा हूँ लोड अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, नहीं होगी, स्पिंडल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ऑटोमेटिकली बाल की भी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अगर बाल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो जो एफ सी का एम ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड है, देखो ओमेगा कम हो रहा तो ये, ध्यान दो आप लोग, ओमेगा कम हो रहा है तो ये रिड्यूस होगा तो एफ सी भी तो डिक्रीज होगा, बोलो यार, एफ सी भी तो डिक्रीज होगा, एफ सी डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ये किस साइड लगेगा, इनवर्ड लगेगा, कैसा लगेगा, तो मैग्नीट्यूड कम होगा तो ये वाला फोर्स हैवी हो जाएगा ना, इनवर्ड लेके जाएगा इसको, तो हैंस वी कैन से बाल बाल ड्रीवन इनवर्ड, बाल ड्रीवन इनवर्ड, जब बाल अंदर की ओर ऐसे जाएगी,
क्योंकि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा तो क्या ऑटोमेटिकली इसको इनवर्ड खींचेगा नहीं खींचेगा, अगर ज्यादा होता तो ये बाहर की ओर इसको लेके जाता, लेकिन ये फोर्स कम हो गया क्योंकि ओमेगा डिक्रीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो ओमेगा डिक्रीज हो गया, ओमेगा कम हो गया तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या कम हो गया, फोर्स कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ये वाला फोर्स इसको अंदर की ओर खींचेगा, तो बाल क्या है अंदर की ओर खिंचाव होगी, बाल ड्रिवन इनवर्ड इस डायरेक्शन में ड्रीव करेगी, जब ये बाल इस साइड खींचेगी तो ऑटोमेटिकली ये किससे कनेक्टेड है, लोअर आर्म से कनेक्टेड है या नहीं है, देखो यार लोअर आर्म से कनेक्टेड है या नहीं है, ये देखो लोअर आर्म से कनेक्टेड है, जब ये अंदर की ओर फ्लो करेगी तो आपका ये वाला एंड नीचे की ओर मूव करेगा नहीं करेगा, यस और नो बोलो यार सर, तो स्लीव मूव डाउनवर्ड इसकी वजह से, देख लो कौन सा लिंक ऑपरेट कर रहा है, लोअर आर्म ही तो इसको, ये देखो ऑटोमेटिकली आप फील करो, ये जब अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा फील करो, ये लिंक यहाँ आ गया लाइक डैट, ये बाल यहाँ आ गया लाइक डैट, ये बाल यहाँ आ गया, तो ये लेंथ बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, ये नीचे की ओर शिफ्ट होगा, ये नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो ये नीचे की ओर मोशन नहीं करेगा, बोलो यार यस करेगा, फील करो यार फील करो, यहाँ पॉइंट नहीं पहुंचेगा आपका, यहाँ पॉइंट नहीं पहुंचेगा, ये देखो यहाँ पॉइंट पहुंच गया तो ये पॉइंट नीचे की ओर आएगा तो ऑटोमेटिकली इसको स्लिप को नीचे की ओर नहीं लेके जाएगा, यस सर ओके। अब देखो जब ये स्लीव डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी तो क्या होगा, स्लीव जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी ये किससे कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है, बेल क्रैंक लीवर से कनेक्टेड है, दिस इज बेल क्रैंक लीवर, बेल क्रैंक लीवर से कनेक्टेड है जो कि पिंड है, इस पॉइंट पे क्या है वो पिंड है, तो ये हिंज है तो इसी पॉइंट के अबाउट तो क्या करेगी, इसी पॉइंट के अबाउट तो क्या करेगी, ये हिंज है तो क्या करेगी बोलो यार, ओसिलेट करेगी ऐसे ही तो करेगी, अब देखो जब ये नीचे की ओर आएगा, जब ये स्लीव आपका क्या है स्लीव जब नीचे की ओर आएगा तो ये किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है तो ये पॉइंट भी तो नीचे आएगा, ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फील करो इसको, ये पॉइंट कहाँ आ गया, जब ये यहां आएगा तो ऑटोमेटिकली ये कहां आएगा, यस और नो बोलो यार, समझ में आई नहीं आई, यस सर, तो आपका थ्रोटल वाल्व पहले कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा था, जैसे ही स्लीव नीचे आया तो ये देखो यहां से यहां मूवमेंट हुआ तो ये भी तो यहां से यहां शिफ्टिंग होगा, ये यहां देखो ये वाला पॉइंट क्या है नीचे आ रहा है, ये वाला पॉइंट क्या है नीचे आ रहा है, तो नई पोजीशन क्या होगी ये होगी, जब ये स्लीव नीचे आ गया तो नई पोजीशन ये होगी, जब ये होगी ओसिलेट इसके अबाउट कर रहा तो ये वाला क्या होगा यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो गया तो ये देखो स्पेस बढ़ गया नहीं बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया नहीं बढ़ गया, यहां क्या है कंप्लीटली ब्लॉक कर रखा है, यहां क्या है रिस्ट्रिक्शन कम होगी, यहां क्या है, यहां क्या है रिस्ट्रिक्शन है वो कम होगी, यहां रिस्ट्रिक्शन कम हो गई है तो फ्यूल सप्लाई इसकी वजह से फ्यूल ज्यादा होगी सर, फ्यूल सप्लाई बढ़ गई है इसकी वजह से क्या हो गया फ्यूल सप्लाई बढ़ गई है, तो हमेशा याद रखना जब भी स्लीव डाउनवर्ड मूव करेगी तो उसकी वजह से आपका क्या है रिस्ट्रिक्शन कम होगी, पाइप के अंदर क्या है रिस्ट्रिक्शन कम होगी बाय थ्रोटल वाल्व, थ्रोटल वाल्व से रिस्ट्रिक्शन कम होगी, रिस्ट्रिक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली फोर्स क्या होगा आपका डिक्रीज होगा नहीं होगा, सॉरी स्पेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फ्यूल सब यहां लिखता हूं सप्लाई बढ़ेगी, फ्यूल सप्लाई इंक्रीज होगी नहीं होगी, जब फ्यूल सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फ्यूल सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली टू सेटिस्फाई डेट इंक्रीज लोड
देर बाय क्या कर दोगे, देर बाय इंक्रीजिंग एनर्जी सप्लाई, यस और नो? और ये मैच किसके साथ हो जाएगी, एनर्जी डिमांड के साथ मैच हो जाएगी। बोलो यार इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? सर ठीक है, स्लीव जब भी स्लीव नीचे मूव करेगा ऑटोमेटिकली फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगी, फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोड जो बढ़ा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एनर्जी सप्लाई को बढ़ा देगा, फ्यूल सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी इसकी, फ्यूल सप्लाई बढ़ रही है तो मतलब स्पीड बढ़ेगी इसकी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, ये छोड़ दो। अब मान लो दूसरा केस की बात करते हैं, जब आप व्हीकल को रोक रहे हो, व्हीकल को जब रोकते हो तो क्या करते हो, लोड आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होगा तो क्या होगा, याद करो जब लोड कम होगा तो क्या होगा, आपका डिमांड भी कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा रहेगी, जब सप्लाई ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? जो हमने केस थ्री फ्लाई व्हील के अंदर हमने जो केस थ्री पढ़ा था, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? देख लो इस लोड कम होने की वजह से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी 10 to infinity, यस और नो? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ओमेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर इंक्रीज होगा नहीं होगा? दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो बाल है किस साइड मूव करेगी, बाल मूव करेगी आउटवर्ड मूव करेगी या नहीं करेगी, बाल मूव आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में बाल मूव करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा है? फील लाइक दैट, अगर बाल आपकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यहां एक नई पोजीशन आई है लाइक दैट, लिंक की तो सेम होगी, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये यहां से देखो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो स्लीव आपका कैसे मूव करेगा, देन अपवर्ड स्लीव मूव अपवर्ड मूव करेगा, जब स्लीव अपवर्ड मूव करेगा तो फील करो इस बात को, फील करो जब ये आपका अपवर्ड मूव करेगा जब ये अपवर्ड मूव करेगा लाइक दैट, ये आ गया तो ये भी क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई नहीं बढ़ गई, रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज हो गया, yes, फ्यूल सप्लाई क्या करेगा, फ्यूल सप्लाई कम कर देगा, कर दिया रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई तो क्या करेगा, फ्यूल सप्लाई इसकी वजह से क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज होगी और आपका क्या है अल्टीमेटली फ्यूल सप्लाई आपका कम हो जाएगा। दिस वे इट रेगुलेट स्पीड ऑफ गवर्नर अकॉर्डिंग टू लोड चेंजेस। इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से स्पीड, बस 5 मिनट और सही उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से क्या है, ये स्पीड को रेगुलेट करे है। ये तो आपने बात कर ली कि सर लोड बढ़ रहा है लोड घट रहा है तो कैसे आपका स्लीव मूव करेगा? सर जब भी लोड बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो सर ये स्लीव क्या है डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, क्योंकि बाल अंदर की ओर जाएगा तो स्लीव नीचे की ओर जाएगा, स्लीव नीचे की ओर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये शिफ्टेड इस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा तो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन कम होगी, रिस्ट्रिक्शन कम होगी फ्यूल सप्लाई होगी, फ्यूल सप्लाई होगी तो जो हमें फ्यूल ज़्यादा चाहिए, जब हम क्लाइम कर रहे हैं लोड बढ़ता है तो फ्यूल ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, तो पावर ज़्यादा चाहिए तो हमारी फ्यूल सप्लाई से पावर मिल जाएगी। ये पाइप है वो किससे कनेक्टेड है, इससे ही तो इंजन से, कहीं आप सोचो सर ये साइड बना रखा आपने किससे बना रखा है, ये याद रखना आउटपुट है इंजन शाफ्ट की। समझ गए बात या नहीं समझ गए? इतनी बात। अब एक बच्चे के दिमाग में आया, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट था, उसके दिमाग में आया
सर मान लो कांस्टेंट स्पीड पे हमारा मैकेनिकल सिस्टम है सर, वो कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रहा है, तो क्या होगा? एनीवन इन द क्लास जो एक क्वेश्चन पूछता है कि सर अगर हमारा मैकेनिकल सिस्टम कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रहा है, मतलब कोई लोड कम ज्यादा नहीं है, एनर्जी सप्लाई इज ऑलवेज मैचिंग विद एवरेज एनर्जी सप्लाई इज ऑलवेज मैचिंग विद एवरेज एनर्जी डिमांड, देन व्हाट वुड हैपन विद द बॉल सर, देन व्हाट वुड हैपन विद द बॉल एंड स्लीव, कोई बताएगा? सर कोई भी एक बच्चा बस ये बता दो, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। रोटेट करेगा सर, ये रोटेट तो कर ही रहा है, स्पिंडल तो घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, अगर स्पिंडल घूमे वो घूम ही रहा है, कम लोड बढ़ने की वजह से क्या है, स्पिंडल की स्पीड भी तो कंट्रोल हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, यस और नो? एक कांस्टेंट स्पीड पे आपको पावर मिल रही है, एनर्जी डिमांड और एनर्जी सप्लाई दोनों मैच कर रही है, तो ये कांस्टेंट स्पीड पे तो रन कर रहा है, जब ये कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रहा है तो ये बॉल भी तो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, ना ये इनवर्ड फ्लो करेगी ना ये आउटवर्ड फ्लो करेगी, यस और नो? तो हमेशा याद रखना एट इक्विलिब्रियम स्पीड बॉल ऑलवेज रोटेट एट सेम रेडियल लोकेशन। समझ में आई बात या नहीं आई? एट इक्विलिब्रियम स्पीड बॉल ऑलवेज रोटेट एट सेम रेडियल लोकेशन, नंबर वन। स्लीव डज नॉट मूव जब स्लीव डज नॉट मूव देन नो फ्यूल सप्लाई देन कॉन्स्टेंट फ्यूल सप्लाई, यस और नो? देन कॉन्स्टेंट फ्यूल सप्लाई, ओके? इतनी बात समझ में आई नहीं आई आपको? कॉन्स्टेंट फ्यूल सप्लाई होगा, ये अपनी ही जगह रोटेट कर रहा है। अब आप बोलोगे नहीं सर, एक बच्चे होते हैं अक्सर क्वेश्चन तो पुट अप करते ही हैं स्टूडेंट, सर ये अपनी बॉल अगर अपनी जगह रोटेट कर रही है, मान लिया ये कि कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर रहा है, लेकिन सर इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा, डेफिनेटली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो रेडियली आउटवर्ड इसको खींचेगा, रेडियली इसको बाहर की ओर खींचेगा, तो सर इसको जब ये बाहर की ओर खींचेगा इसको अंदर मतलब सेम रेडियल लोकेशन पे लाने के लिए कोई फोर्स हमें अंदर भी लगाना पड़ेगा, जितना बाहर की ओर खींच रहा उतना ही अंदर हमें लगाना पड़ेगा, इक्वल और अपोजिट, सो दैट इट विल रोटेट एट सेम रेडियल लोकेशन, यस और नो? यस सर। इतना तो करना पड़ेगा सर हमें, जब ये बाहर की ओर आप लग रहा है बाहर की ओर एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है बाहर की ओर, जो इसको बाहर की मतलब कांस्टेंट जब स्पिंडल रोटेट करिए कांस्टेंट स्पीड पे मैचिंग कर रही है, लेकिन ये बॉल रोटेट करेगी इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा जो इसको बाहर की ओर खींचेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बॉल रोटेट करेगी अपने एक्सिस के अबाउट, एक ही जगह एक ही सेम रेडियल लोकेशन पे करेगी, मतलब से आर हमने डिस्टेंस लिया है तो आर ही रेडियल पे ये रोटेट करेगी अपने एक्सिस। सर ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको बाहर जा रहा है इसको अंदर की ओर खींच रहा है, ऐसा कौन सा फोर्स है सर जो इसको बाहर जा रहा है अंदर की ओर खींच रहा है, सेम मैग्नीट्यूड लगाए जिससे ये एक ही जगह रहे, दैट फोर्स इज नोन एज ऑलवेज रिमेंबर दैट, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग फोर्स बोलेंगे, विच एक्टिंग रेडियली इनवर्ड जस्ट अपोजिट टू एम ओमेगा स्क्वायर जो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, तो ये क्या है, एक बैलेंसिंग फोर्स हो गया ना, बैलेंसिंग फोर्स हो गया, यस और नो? बैलेंसिंग फोर्स हो गया, इसकी वजह से क्या है,
आर ही रेडियल लोकेशन पे बॉल इक्विलिब्रियम पे रोटेट कर रहा है, हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है, रोटेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे रोटेट कर रहा है। समझ में आई नहीं आई बात समझ में इतनी? यस और नो? अब एक क्वेश्चन सर, ये फोर्स हत्ता कहाँ से है? बस ये लास्ट इंस्टेंट है, ये बस ये चीज डिस्कस करके फिर हम क्लास क्लोज कर दें। सर ये फोर्स आपका जो आप कह रहे हो ना, ये कंट्रोलिंग फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट लग रहा है, ये फोर्स सर मिलेगा कहां से हमें? ये कंट्रोलिंग फोर्स कहां से डेवलप होगा सर? कोई भी एक स्टूडेंट बता दो, मजा आ जाएगा। ये कंट्रोलिंग फोर्स आ कहां से रहा है सर, जो इसके अपोजिट लग रहा है, इस बॉल को इक्विलिब्रियम रख रहा है, सेम रेडियल लोकेशन पे रोटेट करवा रहा है, ये फोर्स आ कहां से रहा है सर? ये कंट्रोलिंग फोर्स आ कहां से रहा है? तो याद रखना ये फोर्स हमेशा आएगा कहां से? याद रखना ये वाला जो टेंशन है, जो ये आर्म है ये टेंशन दे रही है, ये वाला आर्म है ये टेंशन दे रही है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों को हॉरिजेंटल मतलब इस आर्म की वजह से जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ रहा है वही तो इसको कंट्रोल कर रहा है, इसके अपोजिट लगा रहा है, जो इसको बाहर जाने नहीं दे रहा, इसको सेम रेडियल लोकेशन पे इसको रोटेट करवा रहा है। ये कंट्रोल फोर्स, जो ये कंट्रोलिंग फोर्स है, ये कंट्रोलिंग फोर्स है, ये कहां से डेवलप हो रहा है? ड्यू टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर आर्म के अंदर, जो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है वो कैंसिल हो रहा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, यही तो क्या कर रहा है, यही तो रोल प्ले कर रहा है, जो इनवर्ड फोर्स लगा रहा है जस्ट अपोजिट, और इस बॉल को सेम लोकेशन, सेम रेडियल लोकेशन पे इसको रोटेट करवा रहा है। तो सच फोर्स इज नोन एज कंट्रोलिंग फोर्स, जो हमेशा रेडियली इनवर्ड लगे है उसको क्या बोलोगे? कंट्रोलिंग फोर्स। आज से याद रखना कंट्रोलिंग फोर्स किसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आज की क्लास? यस और नो?